Assalamu alaikum ji, my name is Mayam Shamim aur aaj hamara topic hai physical properties of amino acid. Aaj hum different physical properties ko discuss karenge. Sabse pehli physical property jo hai wo hai solubility. Amino acids jo hote hain wo water mein soluble hote hain aur inorganic aur organic solvent mein jo hai insoluble hote hain. Aisa kyun hota hai? Kyunki amino acid jo hai wo polar molecule hai. Yani usme positive aur negative dono group maujood hota hai, jis wajah se usme ek certain polarity hoti hai. और वाटर भी हमारा पोलर सॉल्वेंट है, इस वजह से अमाइनो एसिड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्वेबल होता है. इसी तरह अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड जो है वो हायर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं. अगर हम टेस्ट की बात करें तो अमाइनो एसिड जो है वो स्वीट भी हो सकते हैं, टेस्टलेस भी हो सकते हैं और बिटर भी हो सकते हैं. स्वीट अमाइनो एसिड जो है उनमें ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन आते हैं और टेस्ट लेस में ल्यूसीन आता है और बिटर में जो है आर्गिनिन और आइसोल्यूसीन आते हैं. सोडियम ग्लूटामेट जो है जिसको हम अजीनोमोटो भी कहते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और ये हमारे घरों में भी यूज़ होता है एज अ फ्लेवर. नेक्स्ट जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी एक ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, सिवाय ग्लाइसिन के. ग्लाइसिन का ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होता, बाकी तमाम अमाइनो एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं क्योंकि इनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है. जैसे कि आप सब जानते हैं एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से जो है वो आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट कंपाउंड के. तो कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें दो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, तो इस जैसे कि आइसोलिन और थायरोनिन. और हमारी बॉडी में जो है ज़्यादातर एल आइसोमर पाए जाता है अमाइनो एसिड का. अमाइनो एसिड के दो आइसोमर होते हैं, एक एल आइसोमर्स एक डी अमाइनो डी आइसोमर्स. हमारी इन ह्यूमंस की बॉडी में जो है ज़्यादातर एल आइसोमर्स पाए जाते हैं और डी आइसोमर्स जो हैं वो बैक्टीरिया वगैरह की बॉडी में पाए जाते हैं. तो एल आइसोमर्स और डी आइसोमर्स अमाइनो एसिड जो हैं ये ग्लाइसरल्डिहाइड से जो हैं स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एम्फोलाइट्स. अमाइनो एसिड जो है वो एज एम्फोलाइट भी काम करते हैं क्योंकि इनमें बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप होते हैं. बेसिक ग्रुप जो है वो अमाइन ग्रुप होता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप होता है. तो अमाइनो एसिड को हम एम्फोलाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेसिक अमाइनो ग्रुप क्योंकि वो बेसिक है इसलिए वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. तो अमाइनो एसिड जो है ऐसा एम्फोलाइटिक सब्सटेंस भी काम करते हैं.